हेलो, हम लोग अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। जो इस कंसेप्ट पे बेस है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर से, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, समझ लेते हैं कि हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट वन है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ओके, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। पी एंड क्यू ये कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट है, हमको क्या करना है, इसका नेगेशन फाइंड करना है। तो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। तो ये आएगा नेगेशन पी। ओके, नेगेशन में क्या होता है, जो एंड होता है ना एंड, वो चेंज होता है किस में, और में, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू ऐसे आ जाएगा। ओके, सेकेंड वन है नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ओके, तो ये है क्या, मैंने लिख लिया डिसजंक्शन हो गया, इसका नेगेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड, ठीक है। और रहेगा तो किस में चेंज होगा, एंड में चेंज होगा, ठीक है। और है तो किस में चेंज होगा, एंड में, एंड नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तीसरा है नेगेशन नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इफ पी देन क्यू है, इसका नेगेशन हमको निकालना है, विच इज इक्वल टू। तो ये आएगा पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है। तो जरा सा ये थोड़ा तुमको जरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो सिंपल है, कंजंक्शन वाला, डिसजंक्शन वाला। तो इसको जरा तुमको याद करना पड़ेगा, पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन निकालेंगे तो कैसे होता है, पी एंड नेगेशन क्यू होता है, ठीक है। फोर्थ वन है नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ओके, नेगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। पी डबल इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन निकालना है, तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको नीचे लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करो, इसको ब्रेक करो ऐसे, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। ओके, हमको इस पूरे का नेगेशन निकालना है, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ पहले। तो मैंने नेगेशन लिखा बाहर है, ठीक है। पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ कैसे, पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, मैंने इसको ब्रेक किया, पी इम्प्लाइज क्यू, राइट। फिर आएगा यहाँ पे एंड अगेन ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी, ये ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ये बात समझ जाएगा, अगर पी डबल इम्प्लाइज क्यू है तो उसको पहले क्या करना है, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। ये अंदर वाला, हाँ अंदर वाले को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, देखो बाहर का नेगेशन हमने सेम रखा है। नेक्स्ट स्टेप, अभी नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेशन। ओके, तो नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, नेगेशन इसके साथ में जाएगा पहले, तो हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, ठीक है। नेगेशन अभी ये एंड है, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अब नेगेशन इसके साथ में भी लगने वाला है, तो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, इसके बाद में ध्यान से देखना। देखो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या था, पी एंड नेगेशन क्यू था, तो यहाँ पर भी तो वही है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू है, तो यहाँ क्या आने वाला है, पी एंड नेगेशन क्यू आने वाला है। ओके, मैंने ले लिया ब्रैकेट, ठीक है। ये और को एज इट इज कैरी किया। अब यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, अगर देखो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्यू क्या था, पी एंड नेगेशन क्यू था, तो अगर नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी है तो क्या आएगा, क्यू एंड नेगेशन पी आ जाएगा, समझ गए। ओके, तो याद रहेगा, देयरफॉर नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ओके, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिस थिंग। तो तुमको याद करना है। ओके, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन का सिंपल है, डिजेशन का सिंपल है, इम्प्लीकेशन का याद कर लो, ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का भी याद कर लो ऐसे। ओके, इतना क्लियर है। और इसमें एक बात समझ लो, ओके, जैसे कि अगर ऑल होगा, क्वेश्चन में आ गया कि ऑल 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 इंडियंस आर माई ब्रदर्स, इसका नेगेशन निकालना है, तो ऑल क्या होगा, चेंज हो जाएगा किस में, सम में, ठीक है। ऑल में क्या हो जाएगा, ऑल जो है सॉरी सम में चेंज होगा, अगर सम रहेगा तो ऑल में चेंज होगा, ये बात समझ जाना। ओके, ठीक है। ओके, तो ये का लास्ट वाला समझ लेना, बाकी एकदम सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको अच्छे से समझ लो और याद कर लो, ठीक है। फिर हम लोग अभी करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर से, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट द नेगेशन। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 8 ओके ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इक्वल टू 6। तो इसको स्टार्ट करते हैं आंसर, या फिर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं एक स्टेटमेंट पी बना लेता हूँ, वो हो जाएगा x प्लस 8 ग्रेटर देन 11, ये मेरा पी हो गया। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट क्या हो गया, क्यू हो गया,
y माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं हम लोग। सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, p, ओके, और है तो p और q, ओके, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी हमको क्या करना है, नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ, ओके, नेगेशन ऑफ p और q, तो विच इज इक्वल टू, ठीक है, नेगेशन ऑफ p और q, मैंने इसको वर्ड में, और दिख रहा नहीं है क्या, थोड़ा मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ p और q, इसको मैंने देखो ये वर्ड में लिखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p और q का नेगेशन, दोनों चीज़ें की है हमने, इसको सिर्फ वर्ड में लिखा, ठीक है, ओके, नेगेशन ऑफ p और q, तो हमने देखा था नेगेशन ऑफ p और q तो क्या हो जाएगा, ओके, नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। मैं इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, इसका नेगेशन निकालना ऐसे लिख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा एकदम, ओके, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर, फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा, देयरफॉर नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ठीक है, तो कैसे होएगा, देखो ये तुम्हारा पी था, नेगेशन पी, तो कैसे आएगा, एक्स प्लस एट, ठीक है, ऐसे लिख दो, ओके, ठीक है, ये हो गया, ध्यान से देखना, नेगेशन पी हो गया, फिर बाद में एंड है, तो मैंने लिख लिया एंड, और फिर क्या हो जाएगा, वाई माइनस थ्री नॉट इक्वल टू सिक्स, तो ये मिल गया मुझे फाइनल स्टेटमेंट, ओके, इतना क्लियर है। या फिर इस चीज़ को इस जगह पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि x प्लस एट लेस देन इक्वल टू इलेवन एंड y माइनस थ्री नॉट इक्वल टू सिक्स, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, ओके, ये हमारा स्टेटमेंट p हो जाएगा 11 लेस देन 15, ये स्टेटमेंट q हो जाएगा 25 मोर देन 20, ओके, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्ट में लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आएगा p एंड q, ठीक है। हमको फिर इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ p एंड q, तो हमको मिलने वाला है नेगेशन ऑफ p और नेगेशन ऑफ q, ओके, therefore negation of given compound statement is आ जाएगा, देखो 11 लिखा, ओके, 11 मोर देन इक्वल टू 15, और ध्यान से देखो, देख रहे हो 11 मोर देन, ठीक है, ये और था तो मैंने और लिखा, फिर आएगा 25 लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, ये मेरा आंसर है। और x का एक तरीका और भी लिखने का, ऐसे लिख सकते हो नॉट 15 और 25 इज नॉट इक्वल टू 20, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, डबल इम्प्लीकेशन का बात है, तो हमने इसको p बना लिया, ओके, कि p क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो q क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रोम्बस, ओके, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, p डबल इम्प्लाइज q, ठीक है। हमको अभी क्या करना है, इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ p डबल इम्प्लाइज q, तो हमने देखा था, ओके, तो ये आएगा p एंड नेगेशन q ब्रैकेट और q एंड नेगेशन p, ठीक है, ये चीज़ था, ओके, तो ये नेगेशन तो हमको मिल गया यहाँ पे। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज, ध्यान से देखना, तो देखो पहले क्या है, पी है, पी क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ठीक है, पी क्या था, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर बाद में ये सिंबल है, मतलब क्या, एंड फिर नेगेशन क्यू है, फिर क्या रहेगा कि इट इज़ नॉट अ रोम्बस, ओके, इट इज़ नॉट अ रोम्बस, ठीक है, इतना हो गया, इतना तो हमने लिख दिया। इसके बाद में क्या आएगा, ये सिंबल दिख रहा है तो क्या आएगा, और आएगा, फिर क्या आने वाला है, और आने वाला है, और, ओके, और फिर इसको लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यू क्या है, और इट इज़ अ रोम्बस
और इट इज़ अ रॉम्बस, फिर एंड, ठीक है, और इट इज़ अ रॉम्बस एंड, ठीक है, फिर लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना, देखो ये मेरा पी था, ये वाला एंड आया, ठीक है, नॉट क्यू, तो यहाँ पे नॉट लगाया, फिर ये और था, मैंने यहाँ पे और यूज़ किया, फिर ये क्यू है, फिर ये एंड है, फिर ये नेगेशन पी है, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, ओके। सॉल्यूशन, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, तो पी आएगा कि इट इज़ कोल्ड हो गया, क्यू आएगा इट इज़ रेनिंग, ओके। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, हो जाएगा पी एंड क्यू, ओके। इसका नेगेशन निकालना है हमको, तो नेगेशन क्या होने वाला है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, द गिवन, ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट कैसे आएगा, तो लिखना है कि इट इज, ठीक है, नॉट कोल्ड, ओके, पहला वाला, इट इज नॉट कोल्ड और इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, दोनों जगह नॉट लगा दिया और हमने और लगा दिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फाइव, थोड़ा ध्यान देना इस पे, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, ठीक है, इफ और देन का पहले यूज किया हुआ है, तो इसको लिखेंगे, पहले पी लिखता हूँ कि इट इज रेनिंग, ओके, कैपिटल आई लिख लो, इट इज रेनिंग, क्यू क्या हो जाएगा, वी विल गो, ओके, ठीक है, ये क्यू हो गया और वापस से ये एंड है, प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे आर भी आएगा, आर क्या आएगा कि वी विल प्ले फुटबॉल, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, ठीक है, ये हमारा पी स्टेटमेंट है, ओके, और ये ब्रैकेट है, तो मैं इसको देखो ध्यान से कैसे लिखता हूँ, पी इम्प्लाइज, ओके, क्यू एंड आर, ठीक है, देख लो, इफ पी देन ये ब्रैकेट आएगा, क्यू एंड आर, ठीक है, इफ पी देन क्यू एंड आर, ओके, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अब हमको क्या करना है, इसका नेगेशन निकालना है, ओके, इसका नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ दिस होल स्टेटमेंट, पी एंड, सॉरी, पी इम्प्लाइज क्यू एंड आर का नेगेशन निकालना है, विच इज इक्विवेलेंट टू, तो इसका नेगेशन निकालना है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, समझो पी इम्प्लाइज क्यू था, सपोज इसका नेगेशन फाइंड करना है, तो क्या आता था, पी एंड नेगेशन क्यू आता था, ठीक है, ऐसे, तो कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, ध्यान से देखना, सपोज ये पी है, तो ये पूरा जो है ना, इस पूरे को तुम क्या समझो, क्यू समझो, पी इम्प्लाइज इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट को क्या समझो, क्यू समझो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा, पी एंड नेगेशन क्यू, ठीक है, क्यू क्या हमारे पूरा है, तो ऐसे हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेप, पी एंड, ठीक है, ये आ जाएगा नेगेशन क्यू, ओके, नेगेशन, फिर ये होगा ऐसे, और ये आ गया नेगेशन आर, ओके, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको लिख लो, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन द गिवन नेगेशन, नेगेशन स्टेटमेंट इज, हमको ये मिलेगा, ओके, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, तो आ जाएगा पी, पी क्या है, पहला इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे आ गया इट इज़ रेनिंग, ओके, फिर आएगा एंड, ओके, नेगेशन क्यू, तो ये क्यू है, नेगेशन क्यू लगाना है इसमें, वी विल नॉट गो, ओके, इतना हो गया। अब और, ठीक है, और क्या आएगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, और क्या आएगा, और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल, ओके, क्लियर हो गया, ध्यान से इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन, रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो क्या लिखोगे कि रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। सेवेंथ पे आते हैं, लिखा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ठीक है, तो मैंने बोला अगर ऑल आएगा तो उसको किस में चेंज करना है, सम में चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तुम क्या लिखोगे, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर,
ओके, सब नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर। इसके बाद में है, ठीक है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा तो हमको नेगेशन में इसके हमको इसको एक्सटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। अगर एक्सटेंशियल होगा तो हमको इसको यूनिवर्सल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन, ओके, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद लास्ट वन पे आते हैं। देखो ये वाला क्वांटिफायर है तो हम लोग क्या लगेंगे, यूनिवर्सल, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, ओके, एक्स माइनस 17, ठीक है, नॉट इक्वल टू एन लेस देन 20, ठीक है, ऐसे आ जाएगा।